गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ पहुँचे हैं नवाबों की शहर यानी लखनऊ। तो यहाँ पर वैसे तो घूमने की बहुत सारी चीज़ें, पर जो एक मेन जगह मैं जिसमें बोलूँगा कि जो यहाँ लखनऊ जिस चीज़ के लिए फेमस है उसे हम बोलते हैं इमामबाड़ा, या फिर इसे बड़ा इमामबाड़ा भी बोलते हैं। ये यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, इस टाइम मैं हूँ गोमती नगर में और ये है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर दूर, और ये है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 मिनट्स की ड्राइव है। तो यहाँ आज हम जाएंगे बड़ा इमामबाड़ा और देखेंगे वहाँ के मॉन्यूमेंट, उस टाइम के आर्किटेक्चर। बोला जाता है कि मुगल आर्किटेक्चर अब तक का सबसे अच्छा आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो देखते हैं या लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि वहाँ पर ऐसा क्या है, एंड या वहाँ पर हमें बहुत सारी नई नई बातें भी पता लगेंगी। और एक कहावत मैं आपको पहले ही बता दूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, आज मैं वो चीज़ साबित करके दिखाऊंगा। या लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो गाइज, अभी हम आ पहुँचे हैं इमामबाड़ा। यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देख सकते हो, जैसे कि ये लेबरनेथ है, बाउली, इमामबाड़ा, फिर बाकी सारे अगर आपको बुकिंग काउंटर, पानी पीने की जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे ये इधर एक ये गेट है जहाँ से हम लोगों ने एंटर करा है, और ये इधर हम लोग जो देख रहे हैं ये सामने है इमामबाड़ा, और वो जो विंडो आपको दिख रही है वहाँ से हमें मिलेगा टिकट। और यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा, मतलब बाहर के कंपेरिजन में काफ़ी ठंडी है। तो ये देखिए, तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या है, क्या है जो इतना, यहाँ की हवा में ही कुछ और बात है। नवाबों की सिटी है तो नवाबों वाली बात भी है यहाँ पर। गाइस, अब हम सीधे सीधे बढ़ने जा रहे हैं इमामबाड़ा के मेन उसके तरफ। वाह, यहाँ पर पर्यटकों की बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हैं। हाँ जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से ही हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, आपका एक्सपीरियंस? आप फैमिली के साथ आई हैं? कौन कौन है आपके साथ? ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, और ये मेरा, हमारा बेटा। तो आपका कैसा है, चल रहा है अब तक का यहाँ पर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी साफ सफाई, इतना मेंटेन, बहुत मेंटेन। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पहले भी कई बार घूम चुका यहाँ पर। अच्छा, मतलब पहले से अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा था यहाँ पर, साफ सफाई में, बाकी चीज़ों में, पहले इतनी सफाई नहीं थी यहाँ। अच्छा, और हमारे बीच एक यंग, एक डैशिंग पर्सनालिटी भी है, आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या, सबसे पहले आप ये बताइए। मेरा नाम प्रियव्रत है, मैं पहली बार इतना बड़ा मोन्यूमेंट लाइफ में देख रहा हूँ, मेरे लिए इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आइए। हेलो गाइस, ये है हमारा पीछे, आप देख सकते हैं पूरा इमामबाड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो पीछे मॉन्यूमेंट है ये है असफी मॉस। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका
1784 और ये हमारा जिसका ये हुआ था वो था असफ़-उद-दौला। ये हमारे अवध के जो बोले जाते थे नवाब थे। इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि इसको बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 लाख उस टाइम पर लगे थे। अगर मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ आज में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन नवाब शाह को शौक़ इतना था इस चीज़ का कि वो हर साल इसकी मेंटेनेंस पे, इसके डेकोरेशन पे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख खर्च भी करते थे। इस मॉन्यूमेंट को बनने में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँगा तो 7 साल लगे। 1784 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और बाय 1791 ये ख़त्म हो चुका था। इस चीज़ को बनाने के पीछे उनके बहुत सारे कारण थे। जो सबसे मेजर कारण मैं समझ सकता हूँ वो था कि उस टाइम पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ा एक सिचुएशन थी। तो नवाब साहब ने ये चीज़ देखी और उस टाइम पर स्ट्रगल करने के लिए एक इन्होंने ये मॉन्यूमेंट का क्रिएशन शुरू कराया। तो या एंजॉय दिस शॉट। इसको रखने का रखरखाव अगर मैं देखूं तो यह आज भी बहुत ही अच्छी तरह से है। या तो फिर ये अगर आर्किटेक्चर की बात करूँगा, सिर्फ आर्किटेक्चर ही एकमात्र ऐसा रीज़न है कि ये मॉन्यूमेंट आज भी इस तरह से टिका हुआ है। इस मॉन्यूमेंट ने पता नहीं कितनी ही डिकेट्स देखी हुई हैं। या चलिए अब आपको हम अंदर की, अब अंदर चलते हैं हम लोग जहाँ पर है भूल भुलैया। और मेरे पीछे जहाँ उधर आप देख सकते हैं तो है बाउली। बाउली का मैंने आपको पहले भी यूज़ बताया था, रानियाँ उसे नहाने के लिए यूज़ करती थी और उसका एक सीक्रेट पर्पस भी था जिसे इंट्रूडर पहचानने के लिए। उस चीज़ पर भी हम आएंगे। तो यार लेट्स गो। ध्यान से देखिएगा, ये वही गेट है जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कोई कड़ा है तो वाटर के रिफ्लेक्शन से अंदर कोई कैसे देख सकता है। चूना सुर्खी है जिसको उर्दू में कहते हैं, लाल वाली मिट्टी को सुर्खी है ना, चूना है ना, सीमेंट ना कोई मोरंग ना कोई बालू, अब हो रहा है सीमेंट मोरंग का, सिर्फ चूना है। चूना सुर्खी लाल वाली मिट्टी जो होती है, आज भी देखिए लाल वाली मिट्टी दिख रही है ना, बिल्डिंग का मजा खराब हो जाएगा, ब्लेक दिखेगा, मोरंग पकड़ ली जाएगा। लाल मिट्टी डालते हैं, सीमेंट मोरंग लगाते हैं। अब पहले नहीं, अरे बहुत तेज तेज लोग आते हैं, क्यों क्यों गाइज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाउली का एक और फंक्शन है या फिर जो उसका यूज़ है कि वो वाले इंट्रूडर देखने, जहाँ ये एरो पॉइंट कर रहे हैं यहाँ वाटर के रिफ्लेक्शन से आप देख सकते हैं कि बाउली के गेट पर कौन खड़ा है। गाइज मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना टेरिफाइंग है, यहाँ पर सारे रास्ते एक जैसे हैं। गाइड हमें बताया जा रहा है लेकिन एक मुझे नीचे बुला रहे हैं, लेट्स गो कंटिन्यू। तो आप लोगों ने सुना होगा पहनावा कि आहिस्ता बोलो, किसी की बुराई मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो सभी लोग शांत होकर खड़े होंगे, आगे से आवाज देंगे, दीवारों कान सुन के मेरे पास आएंगे, कोई हल्ला नहीं करेगा, ये खड़े रहेंगे, ये खड़े रहो, ये खड़े रहो, हल्ला नहीं कोई बोले। चलो गाइस अब देखते हैं क्या शांति से आइएगा, क्या दीवारों को भी कान होते हैं। वो कुछ बोल ले तो कहीं जाकर मेरे पास आओ, चुप रहना। हाँ This is so much terrifying. बहुत डर लग रहा है। अरे इधर है भाई, देख तो लो उसे, दीवारों के भी कान होते हैं, वो यहाँ खड़े थे। आ रहे हैं ना सब, रास्ता लेफ्ट में ही आओ यार। गाइस क्या क्या रास्ता लेफ्ट में है मुझे भी नहीं पता, बताओ यार कमेंट करके बताओ। एक रास्ता ऊपर जा रहा है इधर है तो हाँ। फाइनली हम लोगों ने सिर्फ एक लेफ्ट टर्न गलत लिया था, हम लोगों को स्ट्रेट जाना था और अगर स्ट्रेट जाते हम लोग जान गए थे। 45 स्टेप्स हम लोग नीचे उतर के आ जाएंगे। अब मैं काउंटिंग कर ही रहा हूँ, टोटल 45 स्टेप्स, 84 स्टेप ऊपर और ये हमारा है 5 4 3 2 1
और ये स्टेप्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हुए। सो गाइज़ ये तो हमारा आज का लखनऊ का व्लॉग, आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, जैसे कि मॉक्स हमने आपको दिखाया, यहाँ हमने आपको बाउली दिखाई है, इसके अलावा हमने यू नो भूल भुलैया आपको दिखाई जिसमें लिप्रत जिसे बोलते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। कल सुबह की हम लोगों की फ़्लाइट है, तो इट्स गोना बी लाइक लॉन्ग डे टुडे एंड वी नीड टू रीच दिल्ली बाय टुमारो। यहाँ की फूल देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी वजह से मैं ये कहूँगा यहाँ के टेम्परेचर में कुछ एक चेंज है। वो सिर्फ चेंज इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ये हम कहीं वहाँ से देख रहे थे उस सबसे ऊपर वाली लोकेशन से कि हम लोग यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो हम कैसे देख पा रहे थे। लिब्रत बाउली मस्जिद हर चीज़ देखने के बाद ये हम लोगों का व्लॉग एंड पे आता होगा। अगर इसके बाद हम लोग और कहीं गए तो डेफिनेटली आई व्लॉग देयर इफ इट्स पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर हम लोगों को व्लॉग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दिस वॉज आर लाइक व्लॉग, आई होप यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो। सो फार सो गुड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग व्लॉग। सी यू, बाय बाय।